वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अप्रैल का महीना है और मैं अपने बैकयार्ड में आई हूँ और यहाँ पे देखिए लगे हैं ड्रम स्टिक का काफ़ी बड़ा पेड़ है। तो देखिए फलियों से पूरा लद गया है, लेकिन अभी बहुत ही इसकी फलियाँ मुलायम हैं। तो हमने दो डाली यहाँ, जो काम करने वाले आए थे उनसे तोड़वा ली, कुछ वो भी तोड़ के ले गए। तो मैं इन्हें हार्वेस्ट करूँगी और इसका बनाऊँगी सूप और अचार और साथ में बनाऊँगी सब्जी। तो ये ड्रमस्टिक जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अभी इसका सीजन है और बहुत ही मुलायम है। अभी जैसे लोबिया नहीं होता है, ठीक उसी तरह लोबिया की तरह ही अभी ये मुलायम है। अभी इसमें जाली नहीं पड़ी है, जो रेशे पड़ते हैं ना वो रेशे अभी इसमें नहीं बने हैं, तो इसलिए मैं फटाफट इन्हें थोड़ा तोड़ लूँगी और इनका मैं थोड़ा अचार भी डालूँगी। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये ड्रमस्टिक, काफ़ी फ़ायदेमंद है सेहत के लिए ड्रमस्टिक में विटामिन ए सी, इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं B6 और आयरन और फाइबर से भरपूर ड्रमस्टिक के फायदे अनेक हैं। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक इत्यादि 99 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। साउथ इंडियन भोजन में इसे आप डेली यूज में देखेंगे, सांबर के रूप में वो डेली ही सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त वो अचार और चटनी, अचार और सूप विभिन्न तरह के तरीकों से इसका यूज करते हैं। तो मैं इसे अचार बनाने के लिए ही हार्वेस्ट कर रही हूँ और सूप इसका बहुत ही अच्छा बनता है। जैसे और सूप, जैसे इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, थोड़ी लहसुन, मिर्ची, जीरा, अजवाइन से तड़का देकर घी में इसके जो ये फलियां हैं इसको उबाल कर, और उबालने के बाद इसको मिक्सी में पीस कर जो प्याज टमाटर हैं उसको, थोड़ी अदरक उसको क्या करेंगे, लहसुन को उबाल लेंगे, उबाल के पीस के पेस्ट बना लेंगे। और ये भी जो है इसको भी छोटा छोटा कट कर इसका भी पेस्ट बना लेंगे, सारे मिक्स एक ही साथ पीस लेंगे। उसके बाद इसको तड़का देके, जीरा अजवाइन हींग से तड़का देकर पेस्ट को थोड़ी सी भून लेंगे
भूनने के बाद उसमें पानी डालेंगे और थोड़ा पतला जूसी टाइप का बना के इसका सूप के रूप में सेवन करें। मैं इसी तरीके से इसका सूप बनाती हूँ और अचार भी ऐसे बनता है कि सालों साल इसको रखा जा सके। तो अगर मैं अभी इसको हार्वेस्ट नहीं करूँगी तो ये फटाफट क्या है कि हो जाएंगे ख़राब। तो मैंने यहाँ पे इतने हार्वेस्ट कर लिए और ये सरसों का खेत है तो इसी खेत में ही इसकी डालियाँ को तोड़ना पड़ा है, तो सरसों को भी थोड़ा नुकसान तो पहुँचा रहा है, लेकिन क्या करें, ये हो जाएगा हार्ड और सरसों की हो रही है कटाई। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी और ले लूँगी, इसलिए मैं ज़्यादा इसको ले रही हूँ क्योंकि अभी ये दो दिन के बाद देखेंगे तो इसमें रेसेज आ जाएंगे। तो ये एक डाली और भी मैं इसे ले लूँगी। हाँ, अब जाके देखिए ये डाली इधर आ गई, मैंने हसिया लगा के इसको खींच लिया और इसकी डाली को अब तोड़ ली हूँ तो ये ऊपर नहीं जाएगी डाली और मैं यहाँ पे इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। तो इसके जो ये फ़ायदे हैं, ये डायबिटीज़ में आँखों के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आयरन होने के नाते हड्डियों के लिए, फोलेट भी इसमें पाया जाता है, हड्डियों के लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है। तो ये रहा, देखिए डाली टूट गई और मैं इन्हें तोड़ ले रही हूँ। तो मुझे लगता है अभी मेरे लिए पर्याप्त हो गया, अगर फिर ज़रूरत है तो मैं इन्हें ले लूँगी। तो अभी मैं वीडियो बनाना बंद करती हूँ। तो ये रहा गांव का एक झलक। तो देखिए यहाँ पे खेत की कहीं कहीं पे हो रही है कटाई और गेहूँ की भी कटाई शुरू हो गई है, सरसों भी कट रहे हैं। मेरा ये खेत जो है पिछेती था, बाद में बोया गया था तो इसलिए इसमें सरसों जो है अभी कट रहा है, बाकी लोगों का सरसों पहले ही कट गया। और तो जो हरी हरी दिखाई पड़ते थे गांव की हरियाली, वो अभी देखिए किस तरह से बिल्कुल सूखा में बदल गया है। अब कहीं भी हरियाली नहीं बची, बस पेड़ जो हैं वही हरे भरे नज़र आ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, पसंद आए तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अभी मैं इसे ले जाती हूँ घर में और इसका फटाफट करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पर थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद।